श्री विष्णु पुराण सातवां अध्याय यम गीता। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कृपा करके कहिए। हे महामुनि, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सतम, एक अंगुल का आठवां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव ना रहते हैं। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज जी के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बतलाइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पिता महाभीष्म से पूछा था। उनके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। पिता महाभीष्म जी ने कहा था, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला, मेरे पूछने पर एक जाति स्मर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार ही होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें कही और जिस जिस प्रकार होने की बात कही थी वे सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उन द्विज श्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उन कालीन ब्राह्मण से पूछी। उस समय उन्होंने उन मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जाति स्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ। कालिंग बोला, अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज ने उनके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक मुकुट तथा कर्णी का आदि के भेद से नाना रूप प्रकट होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता मनुष्य और पशु आदि नाना विध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण शोध से उत्पन्न हुए समस्त देवता मनुष्य और पशु आदि उनका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुर वर वंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घृता आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। भगवान यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत रागादि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कली कलमश रूप मल से मलिन नहीं हुआ,
और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अतीव भक्त समझो, जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ को भगवान विष्णु का भक्त जानो। कहां तो स्वटिक गिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहां मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेष आदि दोष, इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिंकर अर्थात चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती है। जो व्यक्ति निर्मल चित्त मस्य रहित प्रशांत शुद्ध चरित्र समस्त जीवों का सुहृद प्रिय और हितवादी तथा अभिमानी एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है, हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना। यदि खड़ग शंख और गदाधारी अव्यय आत्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो श्री भगवान विष्णु की पूजा ही करता है और ना उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद बंधु बांधव स्त्री पुत्र कन्या पिता तथा भक्ति वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्नत रहता है तथा नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही है। हृदय में भगवान अनंत के स्थित हो जाने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर से ही छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणी, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हो, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्यय आत्मा भगवान विराजते हैं, उनका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य वैकुंठ आदि लोकों का पात्र है। कालिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्य पुत्र धर्मराज ने उनसे इस प्रकार कहा, मुझसे यह प्रसंग उस जाति स्मर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उन महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृतांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक भगवान विष्णु को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने जो का तुम तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है,
उसका यम, यम दूत, यम पाश, यम दंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ प्रभु यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में सातवां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।